अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे। जी जनाब, आज आपको कुछ डिफरेंट सा जो है वो मेरे चैनल पे देखने को मिल रहा है। ये जनाब, हम लोग शाम जो है वो वॉक के लिए निकले थे और कुछ मैंने सोचा था कि कुछ खाने के लिए वेजिटेबल वगैरह लेके आए, तो ये जनाब मैंने सोचा कि आपके साथ ये भी शेयर करें कि हम लोग के घर के पास ये जो पार्क है ना, उसके साथ जो छोटे छोटे इस तरह के ना इन्होंने केजेस में जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो जानवर रखे हुए हैं, छोटे बच्चों के लिए जो है उनको अट्रैक्ट करने के लिए। हिरन जो है वो हमारे बिल्कुल ब्लॉक के एंट्रेंस पे जो है वो उनका पिंजरे हैं, पिंजरे में है वो। और ये जनाब पार्क के बिल्कुल साथ शुतुरमुर्ग हैं, और शुतुरमुर्ग भी ये मतलब इनको ना एक प्रॉपर एक सिस्टम के साथ रखा हुआ है, जैसे जू में एक पूरे जानवर आपको नज़र आते हैं ना प्रॉपर केयर के साथ, ये भी इस तरह इन्होंने ना डिफरेंट जो है वो किस्म के जो है जानवर रखे हुए हैं और इनकी प्रॉपर केयर करते हैं ये लोग। हमारी सोसाइटी का ये सिस्टम बड़ा ही अच्छा है, और जब आपने शाम को वॉक के लिए आना है, छोटे बच्चे अगर आपके साथ हों तो वो बड़े आराम से जानवरों के साथ जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं। पार्कों में झूले हैं, डिफरेंट किस्म के पार्क यहाँ पे, और हमारी सोसाइटी का नाम ही पार्क व्यू सोसाइटी मतलब पार्क व्यू सिटी है, और इसी वजह से काफ़ी जो है वो यहाँ पे पार्क्स हैं। इतनी प्यारी आवाज़ आती है ना शाम में जब आप यहाँ पे आके बैठते हो, और ये जो पैरट है ना ये बहुत ही प्यारी आवाज़ें निकालता है, और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के मोर जो है वो कैद हुए हैं इन्होंने रखे हुए हैं। लेकिन ना मैं वैसे इस हक में तो नहीं हूँ कि जानवरों को कैद में रखा जाए, लेकिन ये ना इन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन के साथ जो है वो पूरे जैसे ज़ू का सिस्टम होता है ना वो प्रॉपरली यहाँ पे बनाया हुआ है। और अभी तो मैंने जस्ट अभी एक दो चार चीज़ें इसमें ऐड की हैं, तो हमारी सोसाइटी तो बहुत बड़ी है। अगर मैं इस पूरी सोसाइटी का आपको टूर कराऊँ ना तो वीडियो तो इतनी ज़्यादा लेंथी हो जाए कि मतलब आप लोग कहेंगे कितनी ज़्यादा लंबी वीडियो बना दी। सोसाइटी जो है वो हम लोगों की बहुत ही बड़ी सोसाइटी है, और काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे सिस्टम है। जी जनाब, इवनिंग वॉक जो है वो हम लोगों की हो गई है कंप्लीट, है ना? क्या करने आई है तुम बाहर, सच बताना जरा। नहीं करने क्या आई थी, नहीं करने के आई थी, वो बताओ। वो चिप्स खानी है जी, लेके मगरब हो गई है, चलो जल्दी फटाफट घर का लिया है हमने, बताओ जरा। देखो लोग बकरे लेके जा रहे हैं, आज हमारे भी मेमे आ जाने, जब मेमे आएंगे ना उनके भी वीडियो बनाएंगे। सब्जी में क्या लिया बेटा दिखाओ, तोरियां ली हैं, चलो फिर भाग के जाओ, मगरब का नमाज का टाइम। अब हम लोग जो है वो जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अजान हो चुकी हुई है मगरिब की, और घर जाके फटाफट जो है वो अभी नमाज पढ़ेंगे। तुम तो डायरेक्ट कानो से इधर लेके आ अहमद, लाइट चल रही है, पकड़ ले आपकी, मैं नहीं पकड़नी, वैडे ने पकड़े पकड़े हुए। इसकी जबान नहीं रही है तब से, अपने पापा ने भी नहीं ना। इसका नाम क्या है? नहीं, इसका नाम क्या है? लड्डू पेड़ा कह रहे हैं। इसके ऊपर ईद मुबारक लिख ले। मम्मा जी, हम पेंडू पेंडू थोड़ी लिख रहे, ईद मुबारक। ये इधर काम डाल देगा, इसको बांध दे इधर। क्या कोई माशाल्लाह से हम लोग के जो है वो बकरे आ चुके हुए हैं। अभी बाहर अंधेरा था, फिर भी जितनी भी फुटेज मैंने रिकॉर्ड की है मैं ज़रूर इस वीडियो में डालूंगी। काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट हुई हुई है बच्चों को भी, सबीन तो डर रही थी, वैसे थोड़ा समय भी डर रही थी, मुझे भी डर लग रहा था। अहमद जो है इस टाइम फुल ऑन गर्मी बकरों को जो है ना लेके बाहर वॉक कर आ रहा है।
जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग के बकरे जो हैं वो आ गए हैं। अहमद साहब जो है वो बकरों को लेके फुल ऑन एक्साइटमेंट में जो है ना, इस टाइम कोई मगरब के जो है वो टाइम के मतलब बाद जो अंधेरा होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा बाहर अंधेरा, ऊपर से लाइट गई हुई है, तो उनको लेके जो है वो बाहर वॉक कर आ रहा है। उनको इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, तो कल से ही कह रहा था कि बकरे लें। हम लोगों ने माशाल्लाह बकरे लिए हुए थे, तकरीबन 1.5 महीना हो गया बकरों को लिए हुए, तो वो ननकाना में ही होते थे उधर अली के पास। तो आज जो है वह माशाल्लाह इधर आ गए हैं बकरे, तो अहमद जो है वो उनको लेके बाहर फिर रहा है। हम लोगों की लाइफ गई हुई है, तो मैंने सोचा कि चले आज आपके साथ जो है आज का ब्लॉग भी शेयर करती हूँ कि हम लोग सब्ज़ी लेने गए हुए थे, वैसे वॉक के लिए निकले थे, और फिर जाते हुए सब्ज़ी ली, थोड़ी देर पार्क में गए। मैंने आपको दिखाया कि हमारे जो सोसाइटी है ना, इसके अंदर जो है वो जितने पार्क्स हैं ना उनके साथ साथ इन्होंने ना थोड़े कुछ जो है ना वो बच्चों के लिए एक ज़ू का सिस्टम बनाया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो हम लोगों की सोसाइटी के अंदर ही जो है फैसिलिटीज़ दी हुई हैं बच्चों के लिए कि इनको कहीं दूर ना जाना पड़े। तो मैंने कहा आपके साथ आज इसको भी ब्लॉग में शेयर करती हूँ।